बिलबिला रहे अब, बिलबिला नहीं रहे हैं। ठाकुर जी जो बात है वो साची कहो, हैं? सुने आप मेरी बात, ओ बात साची। एक कहावत है हमारे मतलब क्षेत्र में, हमारे थे हमारे घर में, बोले साची कहो तो मौसी को, हाँ तो बात साची कहने से ना सकुचाया करो, और आज फंस गए सो भगवान ना बिलबिलाया करो। जब मठा मांगत तो चुकरिया ना झुकाया करो। अब तो बंद गए पाँव और लोई लग गई सो सेंटे ना चढ़ाया करो। ए ठाकुर जी मुझे उल्लू ना बनाया करो, हाय मुझे उल्लू ना बनाया करो, हाय मुझे। बात साची कहने से ना सकुचाया करो, मुझे उल्लू ना बनाया करो, हाय मुझे उल्लू ना बनाया करो। और बना जो कोई पाने ना बनाओ, को ना हम उल्लू बना रहे हैं ना हम बिलबिला रहे हैं केवट भैया। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आनंद राजपूत जी इंजीनियर साहब, और आप हैं रामलीला कमेटी अध्यक्ष ग्राम बहपुर से भाई रविंद्र राजपूत जी स्वमुद्राए, और राजघराना साड़ीज व लहंगा शॉप जो चिकवन चौराहा सरीला से हैं हमारे भाई ब्रजेश महाराज और कपिल राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से समुद्राएं धन्यवाद। कपिल मुनि की कृपा, कपिल मुनि की कृपा तुमने भी जानी है, जीवन धन का ये आनंद पहचानी है, आनंद पहचानी है। अरे हमरे फूलन, हमरे फूलन को ठुंडू ना बताया करो। और ब्यास जी तुम्हें फूकन, तुम्हें फूकन से पर्वत ना उड़ाया करो। जो कहा है मुझे उल्लू ना बनाया करो, अरे मुझे उल्लू ना बनाया करो। अरे मुझे उल्लू ना बनाया करो, इसी प्रस्तुति में राजेश कुमार जी शास्त्री जी जो ग्राम बोखर से पधारे हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी और केवट जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खर होता है अवगुण, खर होता है अवगुण नीला अंबर सोहे, तत्व प्रेम में फंस कर बस बोखर ही सोहे, बस बोखर ही सोहे। प्रीत धागो
को ऐसे ना छोड़ाया करो। ठाकुर जी आज आप कुछ भी कर लें लेकिन जीत प्यासी हमारी है, जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे सहायक ठाकुर जी हैं। तो जिंदगी ये जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीवन एक जंग है, ध्यान दें आप। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, विश्वास हमें है जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, प्रभु अगर संगो है। जिंदगी हर कदम एक नई, क्या बात है, जंगो है, क्या बात है भैया जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी जिंदगी हर कदम एक नई जंगो है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, प्रभु अगर संगो है। जिंदगी हर कदम एक नई जंगो है, जिंदगी। भाई देखिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, आशीर्वाद करेंगे ब्यास जी से, क्या बात है भाई, हम बड़ा सुख मिल रहा है केवट भैया, हमें सुख मिल रहा है, तुम काहे दुखी हो रहे हो, हमें तो दुख मिल रहा हो, तुम्हें दुख तो मिलने का, हमें यहाँ दुख मिल रहा हो, ले जैसो करो तैसो भोग। नैया ले आना भैया, नैया मेरे पास माँ, और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप आदरणीय श्री ब्रजेश राजपूत जी ग्राम गहरोली से आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नैया ले आना, नैया ले आना, नैया ले आना भैया मेरे पास माँ। कब से खड़ा हूँ केवट केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ, कब से खड़ा हूँ केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। मेरे साथ में सिया है, झूठ काहे को झूठ, बिल्कुल झूठ नहीं, झूठ ना है। ठाकुर जी एक बात कहें आप, बोले माता पिता ने वनवास दिया है, एक ने दिया है ब्यास जी, वो सही है पिता दीन मोहि कानन राजू, लेकिन वरदान माता के द्वारा ही मांगे गए हैं, बिना पैंदी के लोटा, बिना पैंदी के नहीं, हमें तो दोवन की आज्ञा सिरोधार है। माता पिता ने वनवास दिया है भैया, लख मेरे साथ में सिया है भैया, लख मेरे साथ में सिया है, वे
विभिना ने लिखा पन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ विभिना ने देखिए व्यास जी अच्छी बात कही ठाकुर जी ने लेकिन हकीकत व्यास जी क्या है ध्यान दें जो सुनने वाले लोग बैठे हैं जानकार लोग काबाने काबाने हम हमने देखा जा बात यहां से है काबाने काबाने श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति दीना पतना निभाने सर्प के ही साप के ही कारण भगवन पड़ा तुम्हें आना ना बनाओ हमसे घुमाने के लिए हमसे घुमाने के लिए भैया वो समय से पहले कभी कुछ सुन नहीं के, होता सुन के सुन के हाँ बोलो बोलो समय से पहले पहले समय से पहले भाग्य से ज्यादा कर्म कलेख नहीं मिटते अक्षर व्यासी बोले समय से पहले और भाग्य झूठ देख आप पर अपने परमात्मा हैं आप समय को भी रोकने वाले हैं प्रेमा ले लो आप सीधा यहां से मास दिवस को दिन भयो जानते हैं आप मैं यहां से बोल रहा हूं फंस गए काय को फंस गए और बुला ले हम नहीं बुलाए रहे हैं उनैया बुला लेते अब झेलो केने बुला लेते उनैया केने जो तुम्हारी सोबरंसी काया है नहीं तो हम तो बाबा ही बाबाई बीच में नहीं बीच में नहीं ध्यान दे आप मास के बस को दिन भयो मरम न जाने को रात समेत प्रभु थक तो भय सुन सा कवन विद हो अब बोलो का बोल रहे ठाकुर जी आज चाहे रात के 12 बज जाए हाँ हमने भैया मेरे भैया वचन से ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया भैया वो भैया ओ मेरे भैया वो भैया ओ मेरे भैया वचन ना बोलो और जी हाँ बड़ा ही प्यारा संवाद आप लोग सुन रहे हैं और इसी प्रस्तुति में आप हैं इंजीनियर आनंद राजपूत राम गोपाल जी जयकांत भैया और राकेश भाई आप पूरी रामलीला समिति की ओर से समुद्राएं महेश लाल जी कोटेदार आप बेटा रुको नहीं
एक बात आई है ठाकुर जी, जा पर कृपा ना पाए मुनि भगत हमारी। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, सीता खड़ी है, लक्ष्मण खड़ा है, सीता खड़ी है, पार ना करते क्या बिगड़ी है, क्या बिगड़ी है, क्या बिगड़ी है। आपसे हाथ जोड़ रहे, काहे हाथ जोड़ रहे, हम तुम्हारी सब सहन कर ले, इनकी बात ना करियो, काहे ना करियो, दुश्मनी पूरी नहीं से तो है, किन से है? जो कछुए जई तो है कई गुण के बाप, यही तो है जो कछुए। जब पहले पहुंचे आपके चाय छूने के लिए तो वे श्रीमान जी बोले सीता खड़े लखन खड़े, लखा जी ने कर दई फुस बगिया। दोबारा पहुंचे अम्मा बोली छी 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 छी, फिर भगिया। इनसे इनसे हम तुम तक तो ठीक है, इनकी बात ना करो। छीरी ने धीमे ना रहने दिया, हम कौन छोड़ कहू को, अपना बदला लेके मानस आओ। छीरे छीरे ने धीमे ना रहने दिया, ना रहने दिया, आप सीता लखन से ये बदला लिया। छीरे ने धीमे ना रहने दिया, सागर में मैंने बसेरा किया, बसेरा किया, सीता लखन ने तुम्हें दुख दिया। सागर में मैंने बसेरा किया, हम शुरू ब्यासी अब सागर से होते हैं के घाटों पे आए, घाट घाटों बासी, ये हो कहां तुम जा नहीं पाओ ठाकुर जी कहूंगा, बिना तुम्हारे जाऊ नहीं पाए, कैसे नाव के खवैया तो तुम्हें हो, काहे तुम्हें तो बुलाऊ के आ जाओ, आओ माँ जी नाम न केवट आना, आ जाओ, अब आ गए सो काहे पे ले बुला रहे, तुम्हें तो बुलाओ, अब काहे पे ले बुलाओ, घाट पे आए घट घट बात जाते। आप देखिए ये ठाकुर जी हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, सारे संसार के मालिक हैं, हमारा एक आहास उपहास से प्रेम रस की बात है, लेकिन संसार में इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो सभी हमारे पूर्ववासी हमें क्षमा करें, क्योंकि हम इनसे उपहास कर रहे हैं, बुरा ना माने कोई, ठाकुर जी हमें क्षमा करें। आप अपना मन छोटा ना करो केवल भैया, अरे घाट पे आए घट घट बासी, मेरा ये पग बंधन है, हमने कई जन्म बिताए हैं, कई जन्म कितने हमने कष्ट भोगे हैं, लेकिन आज हमें ठाकुर जी मिले हैं,
तो हम क्यों ना अपने मन की बात अधूरी रखें। हम तो सब कुछ कहेंगे, जो मन में होगी वो कहेंगे, आज कहेंगे कहेंगे। रो नहीं केवट भैया, लो क्या रो नहीं, रुलाते तो तुम ही हो। हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप रोए। प्रभु जी झूठ मत बोलो, वचन तुम्हारा पुराना है, किया वादा था जो तुमने, किया वादा था जो तुमने, अभी तक वो अनजाना है। प्रभु जी झूठ मत बोलो। केवट भैया, तुमने बात सीता लक्ष्मण की तो घाट पे आए घट, हम रोन लगे, तुमने जानी कि अब ये लेनु हो गए। ना भाई, ऐसा क्यों जाने, लेनु नहीं हो रहा है ठाकुर जी। सागर में था बसेरा, सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे तुम दूर गए थे, पग छूट गए थे तुम दूर गए थे। ना अब तक चंदन है, ये चंदन को मेरा हाथ रस्ता। भाई व्यास जी, मिला ना अब तक चंदन है, आस अधूरी रही हमारी, देखो ये पग बंधन है, आस हमारी रही अधूरी, देखो ये पग बंधन। तो घाट घाट, देखिए अब ध्यान दे आप, बड़ी अच्छी बात, घाट व्यासी, घाट घाट को ना खुदा, और एक ही घाट लखात, सब जातन को घाट है, भाव सागर एक घाट। तो घाट पे आए घट घट वासी, मेरा ये पग बंधन है, सिद्ध समन अर्पित चरणों में, ना रोरी ना चंदन है, केवट भैया। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री आनंद राजपूत जी, इंजीनियर साहब। तुम सब काम छोड़ के व्यास गद्दी करने लगो, और हमारे लोकेश भाई, राम भुवन जी और कल्याण जी और सतेंद्र भाई, आप सब लोगों की ओर से 100 मुद्राएं, नैतिक राजपूत ग्राम महेरा से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं श्री हरनाथ सिंह जी राजपूत औता वालों की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं, श्री राम जी और केवट जी के संवाद में धन्यवाद। अंजाम मिला तुमको ये चरण छुलाई का, अंजाम मिला तुमको ये चरण छुलाई का, तुम्हें जीन नहीं देता ये दर्द जुदाई का, तेरे अपने ही लोगों ने, तेरे अपने ही लोगों ने तेरा दर्द न जाना था, पग छूट गए थे तुम दूर गए थे, पग छूट गए थे। चलिए
पटना जाना था, अब फिर शुरू यहाँ से होते हैं। ध्यान दे आप, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सार हैं, वो थोथा हैं, वो चले गए हैं। तो अब ध्यान दें आप, इनकी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप बेटा। अपिते अजामिल, बात हमारी यहां से व्यासी आप जानते होंगे। अपिते अजामिल गज गले काऊ, मुकुट भये हरि नाम प्रभाऊ। हम और देखें आप, क्या बात है बेटे। विषय नाम लेते नर कहीं, रहते अनेक जन्म आदि कहीं। वो माता पिता जी ने वन में पठाया, लक्ष्मण सीता को साथ मिलाया। तुमने अभी पार किया क्यों नहीं, नैया को अपनी भैया लाओ, नैया को अपनी भैया लाओ, हमें पार करो तुम अभी। नैया को अपनी भैया लाओ, हमें पार करो तुम अभी। माता पिताजी ने वन में पठाया, लक्ष्मण सीता साथ मिलाया। तुमने अभी पार किया क्यों नहीं, नैया को अपनी भैया लाओ, नैया को अपनी भैया लाओ, हमें पार करो अभी नैया को। बोले माता पिता ने पठाया हमें, अब फिर आप ध्यान दें, फिर सुई यहीं से होते हैं। भगवान ठाकुर जी इतने आओ ना सामने आओ, इतने वापसी नहीं मिल रही, जाके बाहर होते खड़े। अब वापसी ले लगे, वापसी ना ले ओ, आग सी ले ओ, जेल अब तो हैं। तुमने हमें पूरी खवाई, संगे में गुना के ले ले। बोले माता पिता ने यद्यपि भगवान के लिए बोले परम स्वतंत्र न सर पर कोई, सर पर कोई नहीं है। भगवान ने सोचा परम स्वतंत्र हमारे सर पर कोई नहीं है। जिस समय नारद जी ने श्राप दिया तो परब्रह्म परमात्मा दयालु हैं, इन्होंने क्या किया व्यास जी, तो श्राप शीश धर, तो श्राप के कारण माता पिता ने पठाए हैं, फंसे हो आज श्रापों के कारण तुम बन आए, श्रापों के कारण तुम बन आए, बन बन करके वचन सुनाए, बन बन करके वचन सुनाए। बात मेरे दिल की सुनिए नहीं, जाओ ना जाओ ना तुम उस पार, यही क्यों रहे क्यों नहीं, जाओ ना तुम उस पार, यही तुम रहे क्यों। ओ के बटी अपनी नैया को लावो, नैया को लाके हमें पार लगावो, नैया को लाके हमें पार लगावो। विश्वास हो गया, जब ये नाव मांग रहे हैं तो नाव चलाने वाले तुम खे हो, नैया हम दे देंगे। तुम खे हो के हम ऐसे खब हो, मान लो नैया हमने दे दी, फिर कल लगो हमारी नाव बोले तुम ही खे हो। बहुत बढ़िया, वहीं से कह रहे हैं
तुम्हें खे हो, हम थोड़ी खे। बहुत बढ़िया, जवाब सुन लो। तुम खे हो के हम ऐसे खबर हो का, चौरासी चक्कर ये फिर से चले हो, चौरासी चक्कर ये फिर से चले हो, चौरासी चक्कर ए बटे अपनी नैया को लाना, नैया को ला के पार लगाना, तुमने अभी पार किया क्यों नहीं, नैया को अपनी भैया लाबो, नैया को अपनी भैया लाबो, हमें पार करते नहीं क्यों, नैया को अपनी भैया लाबो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं अनमोल भैया जो उरई से हैं और जयकांत भैया के भांजे हैं। कहाँ के उरई? हाँ, उरई से। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। रार कर रहे तुम तो हमसे, रार कर रहे हम और का हम कर रहे काए करते हो रार,